हेलो फ्रेंड, मैं विकास, स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फ्यूचर ग्रुप के बीच जो डील हुई है, उस डील में शेयर होल्डर्स को किस रेशो में जो है शेयर मिलने जा रहे हैं और ये डील का किसको क्या फायदा होने जा रहा है, तो इस बारे में यहाँ मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, जी हाँ, जो कि एक सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उन्होंने शनिवार को कहा है कि ये एक्वायर कर रहे हैं किशोर बियानी साहब की, जो कि इसके प्रमोटर हैं, फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर हैं, होलसेल लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस ऑन ए स्लम्प सेल बेसिस फॉर ₹24,713 करोड़, यानी कि 24,713 करोड़ में ये जो है डील हुई है स्लम्प सेल बेसिस। तो स्लम सेल बेसिस क्या होता है दोस्तों, यहाँ बता दूं तो बिजनेस जब किस इस ऐसा बिजनेस जब उसे सोल्ड किया जाता है, तो उसकी वैल्यूएशन नहीं की जाती है उस पर्टिकुलर असेट की, इंडिविजुअल असेट की, और कितनी असेट्स हैं और लाइबिलिटी है, और उसे डायरेक्ट सेल कर दिया जाता है, और बाद में उसका जो है वैल्यू एडजस्टमेंट की जाती है कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू। तो इस तरह से जो है ये डील हुई है स्लम्प सेल बेसिस। और यहाँ पर पोस्ट डील यानी कि डील होने के बाद मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस रिटेल वेंचर है वो 13.14% स्टेक होल्ड कर लेगी, किसमें, किशोर बयानी इसकी जो है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में। जी हाँ, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में 13.14% की जो है स्टेक होल्ड करेंगे, और जो है उसके साथ ही ये 12,500 करोड़ का जो है इनके ऊपर डेट भी आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर एंटरप्राइजेस का जो डेट है वो लगभग बहुत ज्यादा है, जिसमें से 12,500 करोड़ जो है मुकेश अंबानी जी के रिलायंस रिटेल वेंचर्स के ऊपर आ जाएगा। चलिए, और जहां तक डील की बात करें तो डील सभी फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी सब्सिडरी हैं उनके शेयर होल्डर्स के लिए तो पॉजिटिव है, एक्सेप्ट फ्यूचर एंटरप्राइजेस। बट क्योंकि ग्रुप प्रमोटर ने जो है एक स्टेटमेंट में, जो कि मैं आगे बताऊंगा, कि कहा है कि उनके लिए भी ये डील ठीक है, तो इसे आगे जानेंगे। अब चलिए देखते हैं कि रेशो कैसे मिलेगा। तो जो भी शेयर होल्डर हैं, यानी कि फ्यूचर कंज्यूमर के जो शेयर होल्डर हैं, जो कि 10 शेयर होल्ड करते हैं किसके, फ्यूचर कंज्यूमर के, तो अगर 10 हर 10 शेयर के बदले, फ्यूचर कंज्यूमर के हर 10 शेयर के बदले उन्हें 9 शेयर मिलेंगे किसके, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के। तो यहाँ पर जो है वैल्यू, फ्यूचर कंज्यूमर की वैल्यू पहुंच जाएगी लगभग ₹18 के करीब वैल्यू जो हो जाएगी, जिसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि फ्राइडे को लगभग ₹11.50 के करीब थी, वो कहाँ पहुंच जाएगी, ₹18 के आसपास। दूसरा हम बात करते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन। जी हाँ, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन के शेयर होल्डर जो हर जिनको हर 10 शेयर जो होल्ड करते हैं, हर 10 शेयर के बदले 116 शेयर मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के। तो यहाँ पर जो है फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन की जो वैल्यू पहुंच जाएगी वो लगभग ₹232 हो जाएगी, कंपेयर टू जो उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था ₹145 के आसपास का। तो एक काफी अच्छा खासा उछाल यहाँ पे या फिर प्रीमियम मिलेगा शेयर होल्डर्स को, इसलिए कहा जा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप्स की जो सब्सिडरीज हैं उनके लिए ये काफी अच्छी है डील। उसके बाद देखिए शेयर होल्डर जो है फ्यूचर रिटेल के, तो फ्यूचर रिटेल के जो शेयर होल्डर हैं उनको हर 10 शेयर जो होल्ड करते हैं, हर 10 शेयर के बदले उन्हें 101 शेयर मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के, और जो वैल्यूएशन पहुंच जाएगी फ्यूचर रिटेल की वो लगभग ₹202 शेयर्स की पहुंच जाएगी पर शेयर की, और जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस फ्राइडे को लगभग ₹135.20 का था। तो यहाँ भी अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा शेयर होल्डर्स को। उसके बाद करते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, फ्यूचर सप्लाई चेन की, तो हर शेयर होल्डर जो कि इसके शेयर होल्डर हैं फ्यूचर सप्लाई मैनेजमेंट के, उनको हर 10 शेयर के बदले फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के 131 शेयर मिलेंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूचर सप्लाई चेन की वैल्यू पहुंच जाएगी वो लगभग ₹262 हो जाएगी, जो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस जिसका था ₹151 के आसपास। तो यहाँ भी अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा शेयर होल्डर्स को। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर मार्केट नेटवर्क की, तो फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के शेयर होल्डर उनको अब उनके हर 10 शेयर के बदले 18 शेयर्स मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के।
तो यहाँ भी जो है वैल्यू जो है फ्यूचर मार्केट नेटवर्क की वो लगभग 3600 रुपए की हो जाएगी, जो कि इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस लगभग 27 रुपए की थी। तो ये भी अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है शेयर होल्डर्स को। तो इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि कुल मिला के ये जो डील है फ्यूचर ग्रुप्स के आर्म्स जो है, यानी कि ये जितनी भी सब्सिडी कंपनीज हैं उनके लिए काफी अच्छी है और शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा जो है प्रीमियम मिल जाएगा। वहीं पर जो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है फ्यूचर ग्रुप ने कि पोस्ट दिस एक्सरसाइज फ्यूचर एंटरप्राइज विल इमर्ज स्ट्रॉन्ग विथ बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ये इमर्ज करेंगे और उसके बाद जो है फैशन सोच और मर्केंटाइजिंग में भी अपना बिजनेस को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने एग्रीमेंट किया है सप्लाई चेन एग्रीमेंट विथ रिलायंस रिटेल फैशन लिमिटेड के साथ। तो जी हाँ, उनके साथ इन्होंने सप्लाई चेन एग्रीमेंट भी किया है, तो ये भी एक अच्छा हेल्प करेगी और ये इस डील से जो है फ्यूचर इंटरप्राइज जो है फोकस कर सकते हैं अपने न्यू ब्रांड्स के लिए और एफएमसीजी फैशन स्पेस में। और यहाँ पर कुछ डेट रिडक्शन भी इनको हेल्प करेगा, यानी कि डेट में भी इनको जो है काफी, क्योंकि कोविड के कारण और काफी पिछले टाइम से इनके ऊपर काफी ज्यादा डेट था, तो उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलेगी और बिजनेस को जो है एक नए एज पर न्यू जो है जनरेशन के हिसाब से नए मॉडल में और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट में कन्वर्ट करने में उनको ये डील हेल्प करेगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों रिलायंस की जो डील हुई है फ्यूचर ग्रुप्स के साथ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।